सवाल है, एक बादशाह दरबार में बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह गद्दी पे बैठा है, तख्त पे बैठा है, ये तमाम सामईन इकराम मजमा ये लगा के बैठे हुए हैं। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा उसको हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका हम सर कलम करेंगे। तो बादशाह ने सवाल किया कि भाई कौन जवाब देगा, और मजमे में से कोई खड़ा नहीं हुआ। लोग आपस में गुफ्तगु कर रहे हैं कि भाई ये बादशाह की मांगनी अच्छी कोफी दिमाग करती है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, अगर जवाब देने का ये सर कलम कर देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। ये बड़ा चतुर आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था, वो बैठा हुआ नौजवान वो खड़ा हुआ, बादशाह ने क्या हुआ पूछिए, जो पूछना पूछिए। बोला कि सोच लो, बोला सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा चतुर आदमी था, बादशाह ने कहा मेरा पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है। बोला बताइए कितना उल्टा सवाल है। अरे ये सवाल सवाल के मेरे सर में बाल क्यों नहीं, टकला है क्यों। बोला हथेली में बाल क्यों नहीं। तो बड़ा चतुर आदमी था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप सखी बहुत हैं, दानी बहुत हैं, दान पत्र सरकार खैरात जकात बहुत करते रहते हैं, इसलिए देते देते ना हाथ का सब बाल घिस गया। बोला भाई आप तो नहीं है, फिर वो जवाब दिया आप जो कुछ भी देते हैं हमी को देते हैं, इसलिए आपका लेते लेते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। आप जाहिल भी करेगा, बच्चा भी करेगा, नौजवान भी करेगा, हमारी माँ बहने भी करेगी। बड़ा आसान अमल है, कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, ये अमल पूरा हो जाएगा। अगर आप ये अमल करते रहे तो अल्लाह के नबी साथ फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर में खुशहाली पैदा फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क को बढ़ा देगा, और अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारे घर में रखने की जगह ना होगी। इंशाल्लाह मैं बता दूं, अमल करेंगे मेरे भाई, हाथ खड़ा करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम लोग सारे लोग बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहले जमाने में भूखकार है, पहले ये भूखकार था तो होता हूँ। सलामत रखे तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, मेरा बोलूंगा इंशाल्लाह ये अमल में बताऊंगा, ये वजीफा में बताऊंगा, सारे लोग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घरों के अंदर में खुशहाली पैदा फरमा देगा, अल्लाह ताला रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह ताला रिस्क को बढ़ा देगा। इंशाल्लाह बड़ा आसान अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाद में लास्ट में इंशाल्लाह मैं इस अमल को मैं बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, और सुनिए अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, ये जमीन फट सकती है, सूरज सूरज के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफा बदल नहीं सकता। इनका मकाम क्या है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर देते हैं, तो जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसके माँ बाप को क्या मकाम मिलेगा। अब हदीस पाक आई, हजरत नाज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हश्र के मैदान में एक शख्स के सर पे पुरानी ताज रखा जाएगा, वो ताज कैसा ताज होगा, कितनी रोशनी होगी, अल्लाह के नबी
इरशाद फरमाते उस्ताद की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह ना खूबसूरत बात उस शख्स के सरों पर रखा जाएगा जो अहले महशर में पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते कि अल्लाह के फरिश्ते ये कौन आदमी है, ये आदमी कौन है, क्या कोई अंबिया की जमात में से ये ग्राम है? अल्लाह क्या सिद्दीकीन की जमात में से है? सालेहीन की जमात में से नहीं? अल्लाह शोहदा की जमात में से नहीं? कौन है अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे सुनो सुनो ये कोई अंबिया की जमात में से नहीं है, शोहदा की जमात में से नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालेहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो पाक है जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है, जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, उनके माँ बाप के सरों से नूरानी ताज सजा जाएगा। बहुत सारे लोग भाई हमारे अभी सोचते होंगे काश मेरा भी बेटा हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, लेकिन अब वक्त निकल गया है, वक्त निकल गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब हम चाहते थे अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना सकते, लेकिन ये कमाल है, ये कमाल है, इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज कमी है भाई? सारे लोग करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ मेरे भाई और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बना पाए, आलिम दीन नहीं बना पाए, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त भी नहीं रहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त नहीं रहा, उसके लिए भी ये अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो साहिबे निसाब है उसके लिए भी ये अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमल बड़ा अच्छा अमल है, ये अगर अमल कर लेंगे तो हशर के मैदान में जिस हाफिज कुरान की जिम्मेदारी आप लेंगे तो जब अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल होने का हुक्म देगा तो वो कहेगा मौला मेरा ए अल्लाह ये दुनिया में ये इसने दुनिया में अपना पैसा खर्च करके मुझे हाफिज कुरान बनाया था, अल्लाह पाक पूछेंगे तुम क्या क्या चाहते हो, तो या अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसे जन्नत में ले जाऊँ। हदीस पाक से अल्लाह पाक हुक्म देगा कि अपने साथ इसको जन्नत में ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ाने के लिए एक महीना का खर्च है 500 रुपए। कितना खर्चा भाई मदरसे में पढ़ाने के लिए? 500। कम से कम कितना खर्चा है? 500। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना खर्चा है? 3000 रुपए। अल्लाह पढ़ाया क्या जाता है? ए फॉर एल मैंने चूटी, बी फॉर बॉल बॉल में गेंद, सी फॉर सेंटर में बिल्ली, डी फॉर डॉग में कुत्ता, ई फॉर इलेक्ट्रिक में हाथी, एफ फॉर हैंड फॉर गुड। अल्लाह